नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो। तो दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था दीपावली के ऑफर्स का, जिसमें किस तरीके से दीपावली के ऊपर अपने साथ फ्रॉड हो सकता है, कौन कौन से तरीकों से अपन को कैशबैक के तरीके से या कोई ऑफर के तरीके से या कोई गिफ्ट वाउचर के जीतने के तरीके से अपने साथ किसी न किसी तरीके से स्कैम हो सकता है। सावधान रहने के लिए अपने एक कल पूरा वीडियो क्रिएट किया है और उसमें पूरी जानकारी भी दी है। उसी के साथ ही आज किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को एक पैम्फलेट भेजा है, जिसके ऊपर पूरा एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। कोई मतलब एमपी से मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को एक मैसेज किया है कि सर ये देखिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो उन्होंने भेजा है, तो उसमें बताया गया है कि दीपावली का ऑफर सिक्कों और नोटों के ऊपर बता दिया, जो सिक्के और नोट हैं कि ये दीपावली के ऊपर ये सिक्का बिकता है, ये नोट बिकता है हमारा, सिर्फ दीपावली के ऊपर ही एग्जीबिशन लगाया गया है, सिर्फ दीपावली को मद्देनजर रखते हुए एग्जीबिशन लगाया गया है। तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाने का प्लान किया है अभी, और जो पेम्पलेट भेजा है उन्होंने, तो मैं उन वो भी सुन रहे होंगे मेरे जो यूट्यूबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने पेम्पलेट भेजा है उसी से मैं बात करूँगा, जो आपने नंबर भेजे हैं उसी से मैं लाइव आपके सामने ही बात करूँगा, पूरी जानकारी उनसे लेंगे कि क्या वो वास्तव में दीपावली पे ये नोट्स ये सिक्के लेंगे या वो भी कोई नया तरीका फ्रॉड करने का निकाला है। तो आपके सामने ही मैं उनसे बात करता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर ये आपका एक एड देखा है, पैम्फलेट बना हुआ दीपावली का, कोई महाओफर हाँ जी महाबचन। सर, मैं ओल्ड कॉइन कंपनी मुंबई से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, जी सर, कौन साहब बात कर रहे हैं, मैं हरीश कुमार बात कर रहा हूँ मुंबई से। हरीश इसके जी अंदर हाँ जी सर, बताइए सर, ये मैं अपने मैंने ऐड देखा है हमारे कोई, तो आपके दीपावली का क्या ऑफर चल रहा है। तो सर ये अभी दीपावली का स्पेशल ऑफर है या दीपावली पे ही आप लेओगे या पहले भी लेते आए हो या आगे नहीं भी। सर, पहले लेते थे लेकिन अभी जो दीपावली का ऑफर माता लक्ष्मी का सिक्का वो बहुत प्रचलित है। अगर आपके पास माता लक्ष्मी का अगर सिक्का हो तो आप हमें बता सकते हो, हमारी कंपनी को भेज सकते हो। नहीं सर, सिक्का तो नहीं है, लेकिन हमने एक बार जानकारी पूरी लेने के लिए आपको कॉल किया है, क्योंकि हमारे किसी साथी को मिला था ये आपका एड, तो उन्होंने मेरे को हाँ जी भेजा है कि पूछिए। सर एक बार आप जानकारी लीजिए। तो मेरे को ये बताइए कि जो क्या सिस्टम है, कितने रुपए में आप खरीदते हो, क्या ऑफलाइन वो खरीदते तो सर, हो। हम सिक्का अगर आप हमारे पास सिक्के की पिक भेजेंगे तो उसको देख के हम बताएंगे कि वास्तव में वो जो सिक्का है जो हम लेना चाहते हैं वही सिक्का है या नहीं। ओके, तो आपको मैं फोटो भेजूं उसकी, हाँ जी मेरे सर, पास तो नोट है 5 रुपए का। 5 रुपये का नोट भेज दीजिए सर। लेकिन अभी अच्छा, हाँ जी सर, तो देखिए मैं इसको म्यूट किया है, मैं इसको ये जानूंगा क्योंकि अपने पास सिक्का तो नहीं है, लेकिन अपन इससे ये जानेंगे कि ये जो 5 रुपए का नोट है इसकी क्या प्रोसेसिंग, अपन को सिर्फ प्रोसेसिंग जाननी है कि ये फ्रॉड है या क्या है। तो सर मेरे को ये बताइए सर, सर मेरे पास जो सिक्का तो नहीं है लेकिन नोट है मेरे पास, तो उसकी भेज देता हूँ आपको, हाँ जी भेजिए। फोटो इसी नंबर पे भेजनी है। हाँ 7 नंबर पे। चेक कीजिए सर, चेक कीजिए, हाँ सर, देख रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, तो आपने सिक्का भेजा है। हाँ, नोट भेजा है सर 5 रुपए का। तो ये नोट भेजा है आपने अभी, जी उसको मैं अभी स्कैन में लगाता हूँ। कंपनी के द्वारा जो भी सर, स्कैन आप तो करते कहीं हैं मैं गाड़ी उनको में भी तगड़े बताता हूँ लगा उस मेरे सेकंड को। में। हाँ सर, हाँ जी सर, जो आपने नोट लगाया है, इस नोट की कीमत कंपनी के द्वारा 7,50,000 रुपये आंके गए। अच्छा, तो इसके लिए प्रोसेसिंग बताइए ना सर, दीपावली प्रोसेसिंग के वाली अंदर क्या। आप इसको, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, वो रजिस्ट्रेशन आप कैसे भी करवा सकते हो नहीं, ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन लेंगे ये बताइए, सर। इसमें दोनों सिस्टम है, ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। वहाँ आके भी दे सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ तो वहाँ आके ही देना है फिर सर, हमारे पास ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है सर। इसके अंदर प्रोसेसिंग ये रहेगा कि आपको ये बैंक के द्वारा, एक RBI का बैंक के द्वारा ये वो बनवाना होगा सर, चेक। क्या बनवाना होगा,
हेलो, हेलो। हवा नहीं आ रही है सर, क्या बनवाना होगा? आज सर आरबीआई का लेटर बनवाना होगा आपको ऑफलाइन के लिए, वो कैसे और बन? ऑनलाइन के लिए कुछ नहीं करना होगा, केवल आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सर। अच्छा, ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है हाँ जी सर, और ऑफलाइन के लिए? आपको ऑफलाइन के लिए तो आरबीआई लेटर बनवाना होगा, बैंक नहीं, जो में मतलब मेरे बैंक को में तो आके लेटर बनवाना दीपावली होगा दीपा फ्री। दीपावली वाला ऑफर बताइए सर। दीपावली पे क्या आप कितनी क्या ऑफर है उसके, उसका दिवाली का अगर वो ऑफलाइन? सब सिक्के है, सिक्के के ऊपर निर्भर है कौन सा सिक्का है उसकी रेट लगेगी, आपको रिंगिट नहीं, उस सिक्के पे के सर बारे जो में क्लैरिटी रहेगी सर आप। सर आपने जो ए डाला है उसमें लिखा हुआ है कि जो एंट्री फीस है क्या है, ऐसे एंट्री क्या फीस का कुछ ए डाला हुआ है उस पे। सर, एंट्री दिवाली के ऊपर ऑनलाइन एंट्री फ्री है, और इसमें जो ऑफलाइन है उसके अंदर अगर आप ऐसे ऑफलाइन अगर आरबीआई लेटर नहीं करवाते हो तो आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसके लिए आपको शुल्क जमा करवाना होगा हमारी कंपनी को सर। कितना शुल्क देना पड़ेगा? सर वो जैसे रेट होगी उस हिसाब से शुल्क मिलेगा, क्योंकि जो सिक्के की रेट लगेगी आपकी उसी हिसाब से आपको शुल्क दिया जाएगा। अच्छा, फिर पहले यहीं से ऑफलाइन के लिए हम पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन और शुल्क दे के उसके बाद में आना पड़ेगा वहाँ पे, ऐसे नहीं आ सकते डायरेक्ट? अच्छा, चलो ठीक है, पहचान गए सर। ओके हाँ सर, ठीक है, बताते हैं आपको वापस। देख सकते हैं। ऑफलाइन के लिए बता रहे हैं यहाँ से पहले रजिस्ट्री अपन को शुल्क जमा करवा के बाद में वहाँ जाना होगा, तो इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ से अपन ने शुल्क जमा करा दिया तो वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, एड्रेस ही नहीं मिलेगा वहाँ का, ये कंफर्म है। और अगर ऑनलाइन का बात जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं वही पुराना वाला सिस्टम जिसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो भाई साहब जिन्होंने मेरे को वो फोटो भेजी थी उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपने फोटो भेजी है वो बिल्कुल दीपावली का ऑफर वाला जो आपने सिस्टम भेजा था 5 रुपये वाला, या जो 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 भी उसके पास माता लक्ष्मी वाला सिक्का जो खरीदने की बात करते हैं, वो पेम्पलेट वाले जो कंपनी है बिल्कुल फ्रॉड है, उस पर आप विश्वास नहीं करें, ना ही उस पर कॉल करें, ना ही उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो एक बार इन्होंने बताया है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हुए ही दे सकते हो, मैंने इसीलिए इसको विश्वास किया था क्योंकि उस पर यही लिखा हुआ था कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ आके भी सिक्के वगैरह जो भी आपके पास जो भी नोट है उसको दे सकते हो। तो हमने सोचा वास्तव में जब ऑनलाइन तो अपने साथ फ्रॉड हो ही रहा है इतने दिनों से, अपन वीडियो बनाते ही जा रहे हैं, तो एक बार ऑफलाइन का अपन को पूरी डिटेल्स मिल जाए तो अपन वहाँ चल के उसकी पूरी जानकारी ले सकें। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ऑफलाइन हम यहाँ पे ले तो लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक शुल्क जमा कराना पड़ेगा गेट पास या जो भी है, कुछ पैसे 700-800 रुपये का शुल्क बता रहे हैं। तो इनका पता है कि अपना इस गेट पास के शुल्क से ही अपना बढ़िया जो है वो निकल जाएगा, बढ़िया पैसे आ जाएंगे। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि जो इस तरह के दीपावली की महाबचत के जो या दीपावली के ऑफर पे जो इस तरह के कोई सिक्के या नोट्स खरीदने का आपको पैम्पलेट मिले, कोई आपको पोस्टर मिले, कोई एड मिले, तो उस पर विश्वास नहीं करें, पहले उसको कॉल करके पूरी जानकारी लें, उसके बाद में मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बाद में ही उस पर विश्वास करें। क्योंकि जब मैंने कल ही बताया है, कल एक महाराष्ट्र से मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने बताया था कि सर मेरे से आरबीआई लेटर बनाने के नाम से 7,500 रुपये मांगे थे, ठीक है। और उन्होंने यही भी बताया था कि उनका जो है कोई यूट्यूब चैनल चलता है, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे खूब सारे ऐसे चैनल हैं जो अपने नंबर भी देते हैं, और वो यह कहते हैं कि हम आपके नोट्स खरीदेंगे, आप यहाँ पे इस नंबर पे ये रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, आरबीआई का लेटर बनवा लीजिए, वो बनवा लीजिए, और बाद में क्या करते हैं वो लंबा टाइम दे देते हैं आपको कि आपका जो है 1-1.5 महीने 2 महीने बाद में आपको पता चले इसका बारे में बता दिया जाएगा। कल जो फ़ोन आया था उन्होंने बताया था कि सर 7,500 रुपये तो हमने दे दिए, उसके बाद में उनका जो पैसा वापस रिफंड का हमने कहा कि सर हमें नहीं देना है, रिफंड कर दीजिए, तो उन्होंने बताया कि सर आपको 72 दिन बाद में पेमेंट मिलेगा। एक बड़ा यूट्यूब भी उनका, यूट्यूब से ही उन्होंने नंबर लिए हैं, मैं यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन आप चेक कर लेना कौन सही है कौन गलत है, कौन सा यूट्यूब चैनल आपको गुमराह करता है आपसे, आपको नंबर दे के कॉइन्स खरीदने की के लिए आपको गुमराह करता है, और कौन सा चैनल आपको अफेयर आपको सावधान करता है, आप खुद पे ही आप खुद ही सोच सकते हैं। देखिए इस तरीके से काफ़ी लोग फ्रॉड करते हैं, उनसे सावधान रहिए,
वो जो इस चैनल बना बना के नंबर दे के आपसे चार्ज लेते हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। नहीं देना है अपन को, ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। सावधान रहिए, मेहनत से पैसे कमाते हैं, उसको इस तरीके से नहीं कमाने हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।